तो अभी आज का व्लॉग सिर्फ इसलिए मैंने बनाया था ताकि आपको लास्ट में बात बता सकूं कि आप Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Hey guys, this is your blogger, your Devanshu. Welcome to the another new blog video. और आज है मेरा जयपुर में आखिरी दिन. आज मैं जयपुर से जा रहा हूँ. फैमिली मेरी जयपुर स्टेशन पे आ चुकी है. मैं भी जयपुर स्टेशन पे आ चुका हूँ, एज यू कैन सी. तो आज से यहाँ पर गुड बाय टाटा कर देंगे और सब खत्म. यहाँ से अपना कनेक्शन खत्म है अभी फिलहाल के लिए जयपुर से. तो रास्ते को एंजॉय करते हैं, सफ़र को एंजॉय करते हैं. आ चुका है मित्रों हमारा S2. S2 में हमारी सीट से 6 सीट्स है. एक्चुअली हुआ ये कि हम 5 लोग हैं और जो थे मेरे मामा जी जो पुणे से आ रहे थे, उनके भी इत्तेफाक से यहीं पर ही S2 में सीट मिल गई और सीट भी हमारे पास ही थी. तो इस तरीके से अब हम 6 लोग हो चुके हैं इस जर्नी में. सो अभी इस जर्नी को करते हैं कंटिन्यू. और अभी इस समय बज रहे हैं 5:15, 5:30 होने वाले हैं थोड़ी देर में. तो 6:15 ट्रेन चलेगी, 6:05 या 10 मिनट की ट्रेन चल पड़ेगी. A few moments later. बस फाइनली ट्रेन चल चुकी है 6:05 पर अपने निर्धारित समय से. और अभी जयपुर को करते हैं बाय बाय टाटा अलविदा. And here is our another Mama Shri. Mama Mama Shri. Let's vlog you. आप बोल रहे थे ना आपको ब्लॉग के अंदर आना है. बिल्कुल, पहली बार आए थे तब भी बोला. तब हम पहुंचा नहीं था, मैं सो गया था रात को 1 बजे. आप सो गए थे क्या? हाँ, पिछली बार सो गया था. ठीक है मामा जी. ठीक है मामा मामा जी. हमारा भी सप्ताह पूरा वही YouTube पे आने का. सो रात को 1 बजे हम पहुंचे हमारे ननिहाल नोहर. तो नोहर से भी ट्रेन चल चुकी है. और मैं आपको बता दूं कि सीन ऐसा है कि जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू करी है तो अब तक मैं शायद 2 बार नोहर को क्रॉस कर चुका हूं ट्रेन में. लेकिन आपको अब तक दिखाया इसलिए नहीं था बिकॉज़ हमेशा की तरह रात होती है. जैसे अभी जा रहा हूं तो 1 बज रही है, जब आ रहा होता हूँ तो 2:30 बज रही होती है. तो मतलब उस समय नहीं दिखाया जाता और मैं सो भी रहा होता हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं सीन बनता. लेकिन अगर मैं फ्यूचर में कभी नोहर आता हूँ तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा नोहर सिटी. काफ़ी अच्छी सिटी है, सबसे मिलवाऊंगा. लेकिन अभी के लिए तो करते हैं गुड बाय नोहर को. और बाय बाय नोहर, बाय बाय नोहर, बाय बाय नोहर. तो गाइस 1 बजे क्रॉस किया था अपने नोहर. और अब नोहर सिटी की बात से फिर उसके बाद अब बज चुके हैं 2:30 और 2:30 बजे पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ जंक्शन. हनुमानगढ़ जंक्शन पहुँच चुके हैं 2:30 बजे. आधे घंटे का यहाँ पर स्टॉपेज है. आधे घंटे के बाद यहाँ पर 3 बजे ये ट्रेन वापस चलेगी श्रीगंगानगर की ओर. और फिर श्रीगंगानगर से अपन करेंगे ट्रेन अबोहर की. वहाँ सामने ही अपने को अबोहर की ट्रेन देखने को मिल जाएगी. मित्रों 4:15 तकरीबन 4:10 पर हम पहुंच चुके हैं गंगानगर. इस ट्रेन में हम आए थे, इस ट्रेन में हमें जाना है. ये अबोहर की ओर जाएगी ट्रेन, हरिद्वार वाली ट्रेन है. एक्चुअली सिर्फ 10 मिनट का गैप होता है दोनों ट्रेन में. मतलब ये 4:10 तक यहाँ आती है गंगानगर और ये 4:20 पर चलती है अबोहर के लिए. तो अभी चलते हैं इस ट्रेन के अंदर. फाइनली पहुंच चुके हैं अबोहर जंक्शन, अपने अबोहर होम टाउन पहुँच चुके हैं. अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के कोई ऑटो वगैरह करके घर पहुँचते हैं. तो गाइस फाइनली 5:30 बजे हम पहुँच चुके हैं घर पर. तो अभी करेंगे फुल नींद पूरी. 11:30 बजे मैं उठ चुका हूँ और मतलब पहले सो गया था बीच में, तो अभी उठ चुका हूँ. और आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अभी आने वाले समय के अंदर मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाला हूँ, बहुत सारे ब्लॉग्स लाने वाला हूँ. तो अभी आज का व्लॉग सिर्फ इसलिए मैंने बनाया था ताकि आपको लास्ट में बात बता सकूं कि आप बस अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही ऑसम व्लॉग्स आने वाले हैं. जयपुर डायरी सब खत्म हो चुकी है, इसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, कितना ट्रैवल करना है. तो उन व्लॉग्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो. अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं कर रखा है, वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब। और अभी क्या है कि काफ़ी जल्दी जल्दी अपने को ब्लॉग्स भी लाने हैं, और अभी इन दिनों में तो काफ़ी गैप चल रहा था ना, काफ़ी काफ़ी दिनों का गैप आता था। अब इस गैप को कम करेंगे और मतलब जल्दी जल्दी ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सका, क्योंकि एडिट करने में समय लगता है। इस ब्लॉग को भी एडिट करने में काफ़ी समय लग गया, मेरे को पता है। और मतलब जिससे पहले वाले ब्लॉग्स आए हैं आपने तो वो देखे ना अभी, तो उनको एडिट करने में काफ़ी समय लग गया। ये मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसके बाद से जो ब्लॉग्स हैं उनमें गैप कम करूँगा और जल्दी जल्दी ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा। तो हम मिलेंगे ऐसे किसी नए ब्लॉग के अंदर, और ऐसे ही नहीं, इससे भी बेहतरीन ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।